अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। शिमला में कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त की अगुवाई में पेट्रोल पंप पर बढ़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का कहना है कि ये सांकेतिक धरना है, अगर सरकार कीमतों को कम नहीं करती तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ शिमला में कांग्रेस ने साइकिल रैली निकालकर रोष प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी मुख्यालय से पेट्रोल पंप कैथू तक रैली निकालकर रोष प्रदर्शन किया। कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने भाजपा की केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़े हैं। संजय दत्त ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार महंगाई और कोविड-19 पर काबू पाने में पूरी तरह से विफल रही है। मोदी सरकार गरीब जनता के पैसे इकट्ठे कर उन्हें कहां कहां खर्च कर रही है, इसका हिसाब उन्हें देना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को विरोध करते हुए इसको सरकार तुरंत वापस ले, ये मांग के लिए हमारे आदरणीय अध्यक्षा सोनिया जी गांधी और हमारे आदरणीय नेता राहुल जी गांधी के नेतृत्व और आह्वान पर हर प्रदेश में ये आंदोलन आज सांकेतिक तौर पे पेट्रोल पंप के बाहर किया जा रहा है। आगे भी हम अगर सरकार ये पेट्रोल और डीजल के दामों को जो के पिछले 3 सालों में 500% से ज़्यादा बढ़ाए गए हैं और जो पैसा इकट्ठा हुआ है करोड़ों लाखों रुपए, उसका हिसाब अभी तक सरकार ने दिया नहीं कि ये पैसा आम आदमी से इकट्ठा हो रहा है, ये पैसा किस योजना में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका हिसाब सरकार दे नहीं रही। इसका सब बातों का निषेध करने के लिए जो है हमारा ये आंदोलन है। वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज महंगाई चरम पर पहुंच गई है, कोविड और महंगाई की दोहरी मार जनता पर पड़ी है। पिछले 1 साल के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 रुपए से अधिक बढ़ोतरी की गई है। कोरोना के साथ साथ सबसे बड़ा मसला इसमें जनमानस के लिए महंगाई है और खासतौर पे पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स हैं जिस ढंग से बढ़े हैं पिछले 1 साल में, ये जो है 25 रुपये महंगा करूँगा मैं तो। और आज जब हमारा सांकेतिक धरना है, आज भी रेट बढ़े हैं, रोजाना रेट बढ़ रहे हैं और इस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, हिमाचल की सरकार ने हमेशा से ये कहा था कि हम महंगाई पे लगाम लगाएंगे। हमारे ऊना में देख रहा था जिला में 90 रुपये से आसपास पेट्रोल है और 83-84 रुपये के आसपास डीजल है, तो जिस ढंग से इसमें इजाफा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि रोजमर्रा के जरूरी सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार कीमतों को कम नहीं करती तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं, डीजल और पेट्रोल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं और आप ये भी जानते हैं कि इस समय जो क्रूड ऑयल है वो सस्ता है लेकिन डीजल और पेट्रोल महंगा हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त क्रूड ऑयल के बहुत दाम बढ़े लेकिन उन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए, जबकि ये सरकार जो है लगातार दाम बढ़ा रही है, इसे जनता में रोष है। हमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर निर्णय लिया है कि आज जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हम प्रदर्शन करेंगे। देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में मंत्री हैं वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं, हर जगह पे भीड़ इकट्ठी हुई है लेकिन हम जो है कानून को नहीं तोड़ेंगे। इसलिए हमने निर्णय लिया कि 5 लोग ही होंगे लेकिन आने वाले समय में जैसे ही थोड़ी रियायत मिलती है
पूर्व की भांति हम बहुत सारे हमारे जो इश्यूज हैं उनको लेके हम फिर से जो है सड़क में आने वाले। ब्लॉक कांग्रेस धर्मशाला द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार को धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में पेट्रोल डीजल सहित गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में विरोध स्वरूप गैस सिलेंडर सर पर उठाकर महिलाओं और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही मोटर बाइक और कार को रस्सी के साथ खींचकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। कि पिछले एक साल में लगभग 27 रुपए पेट्रोल बढ़ा और लगभग 23-24 रुपए के करीब डीजल बढ़ा। गैस की कीमत आज 900 रुपया लगभग 900 रुपया पर सिलेंडर मार्केट में मिल रहा है। अब इसका क्या प्रभाव देश के ऊपर पड़ रहा है, इस बात को हमें बड़ी गंभीरता से सोचना है। एक साल के अंदर 26 रुपए पेट्रोल का बढ़ना, जबकि लोगों के पास ना तो रोजगार है, रोजगार की कमी हो रही है, लोगों की तनख्वाह कट रही है, साधन उनके पास कोई है नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है। 200 रुपये लीटर आपका सरसों का तेल बिल बिक रहा है, दालों के भाव आपने देखे, और अगर ये चीज़ें सारी बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर महंगाई और बढ़ेगी। जो एक ट्रक का किराया लगता था 25,000, अब जब 30-40% किराया बढ़ जाएगा तो ये लगभग आपको 35,000 पे आएगा और पब्लिक के ऊपर जाएगा। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि कृपया करके इन सारी चीज़ों को सोचें, आम पब्लिक का सोचें, आम आदमी का सोचें, और ये जो पेट्रोल डीजल गैस के ऊपर जो रेट बढ़े हैं उनको वापस लिया जाए, कम किया जाए। और जो महंगाई बढ़ी है, अभी तो नेक्स्ट मंथ से शायद जो राशन के डिपो हैं वहाँ पर भी हर चीज महंगी होने जा रही है, तो इस बात को भी हमने बड़ी गंभीरता से सोचना है। वहीं कुल्लू जिला मुख्यालय में भी जिला महासचिव चुन्नेश्वर ठाकुर की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने पार्टी मुख्यालय ढालपुर से लेकर अखाड़ा बाजार पेट्रोल पंप तक रैली निकाली और पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन कर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान 2 दर्जन कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक प्रदर्शन में भाग लिया। कुल्लू जिला कांग्रेस महासचिव चुन्नेश्वर ठाकुर ने बताया कि देश में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से खाद्य वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें 1,000 तक पहुंच गई हैं, जबकि पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में जनता लगातार महंगाई से त्रस्त है। पूरे हिंदुस्तान में आज सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आज सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ने से, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से लोगों का ये कहना था, कुछ लोगों का, कि भाई ये तो गाड़ी वालों के लिए है। नहीं, इन कीमतों के बढ़ने से हमारी चीज़ें खाद्य वस्तु महंगी होंगी, किराया महंगा होगा, तो इसके साथ साथ खाद्य तेल, सरसों का तेल जो 135 रुपये था वो आज 230 रुपये लीटर है। इसी तरह दालों की कीमतें दुगना उछाल, जो दालों की कीमतें 70 रुपये थी आज 170 80 रुपये दालों की कीमतें हैं। किसी भी क्षेत्र में महंगाई अपने चरम सीमा पर है। आज कुल्लू में आप सामने देखेंगे पेट्रोल की कीमत 93 रुपये 50 पैसे है और डीजल की कीमत 87 रुपये 17 पैसे है, तो 7 पैसे है। तो इतनी ज़्यादा कीमत, सिर्फ इसकी कीमत हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र में, आप प्रोडक्शन जो होगा, डीजल की खपत, किसान बार बार प्रोडक्शन जो हमारा अनाज पैदा करने में, ये दुगने कॉस्ट पर कीमतें जा रही हैं। इसीलिए महंगाई पर ये प्रदेश सरकार व केंद्र की सरकार पूरी तरह से फेल है। लोग अपने आप में भली भांति जागृत हैं। जिला कुल्लू महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अरुणा ठाकुर ने बताया कि कोरोना काल में देश में लगातार पिछले कई सालों से महंगाई बढ़ रही है और देश प्रदेश की सरकारों के लिए ये शर्मनाक विषय बन गया है। देखिए, आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है, ये बहुत एक शर्मनाक विषय आज बन चुका है। आप देखिए, तेल की कीमतें बढ़ी हुई है,
जैसे कि आज आप सरसों का तेल लीजिए, वो आज इतना महंगा हुआ है कि आज लोगों को, जो महिलाएं हमारी गृहिणी हैं, उनको जो आज रसोई का जो उनका बजट है वो सारा गड़बड़ा गया है, क्योंकि जो तेल हमारा रोज़मर्रा के हर खाने में हमारा पड़ता है, तो हम लोग जो है कैसे अपना मतलब गुजारा करें। महिलाओं को बहुत सी दिक्कतें आ रही है, हर खाद्य पदार्थ जो आज महंगा हुआ है, चाहे वो आप डिपो की बात करें, चाहे आप अन्य दुकानों की बात करें, हर चीज़ मतलब आज महंगी हुई है। और जैसे कि पेट्रोल की बात, यहाँ पर आज हमने जो विरोध प्रदर्शन किया, पेट्रोल देखो आज कितना महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा होने से, तेल महंगा होने से जो है हमारी हर चीज़ जो है महंगी होती है। बैजनाथ में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व विधायक किशोरी लाल ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में महंगाई चरम पर पहुंच गई है और आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार आने से पहले लोगों को अच्छे दिन के बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन आज जनता को केवल महंगाई और परेशानी ही मिल रही है। भाजपा की सरकारें आई हैं, दिन प्रतिदिन महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, पेट्रोल और डीजल आसमान पे छू चिमटे छू रहे आसमान के ऊपर है, और जो खाने का तेल है वो भी 2600 रुपये का तेल है, 100 रुपये की बोतल 200 रुपये में बिक रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनदेखी कर रही है लोगों की। किसान 6 महीनों से धरने में बैठे हैं, कोई उनकी कोई सूझबूझ ले नहीं रहा है। किसानों को जो 3 कानून है उन्हें रद्द करने की मांग किसान कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं है। डीजल और पेट्रोल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार इसमें अंकुश लगाने में असफल रही है, और खाद्यान्न तेल दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उनके तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऐसे ही बढ़ते गई तो महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।